वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स टू टारगेट IES. सो लेट्स रिज्यूम फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द प्रीवियस वीडियो. सो हमारा एम क्या था है कि टोटल कॉस्ट निकालना दैट विल बी गोइंग टू इनकर वाइल सेविंग द इन्वेंट्री वाइल कीपिंग द इन्वेंट्री राइट. तो उसको अब जरा समझते हैं. तो अब देखिए, आप खुद सोचिए, पहले तो हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे राइट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू परचेज द इन्वेंट्री. सो दैट विल बी वॉट परचेज कॉस्ट. The cost we are going to incur while purchasing the inventory, that is called as purchasing cost, right? Now, अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, कुछ inventory order करेंगे. So there will be a particular ordering cost, जो मैंने आपको समझाया था, जैसे 500 rupees आया था, right? तो अब कुछ inventory हम क्या करेंगे, उसका order place करेंगे. So there will be corresponding ordering cost. That will be something ordering cost. ठीक है ना, ऑर्डर करने के ordering cost, right? And then we have to keep the inventory with ourselves. We have to store it at some area. So for that we'll incur holding cost, isn't it? सही बात है ना, clear है कि नहीं? Now what will be the purchase cost? Purchase cost क्या होता है? सिंपल है, जितनी डिमांड है इनटू कॉस्ट पर यूनिट. सो दैट इज व्हाट इज परचेज कॉस्ट. समझ आया? जितनी डिमांड है दैट, अब दैट डिमांड में भी पर एनम, पर मंथ हो गए, पर डे. तो अब आप स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही बात है. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो स्मॉल डी चाहे कैपिटल डी लीजिए, एक ही बात है. Isn't it? But problem क्या था कि ये था demand rate, और ये demand rate small इसलिए लिखा क्योंकि ये per day था, और ये वही demand है but ये per annum है. That is the difference. और बाकी आप दोनों में confused मत होइएगा, ये एक ही है लगभग. हम जैसे question करेंगे ना तो आपको idea लग जाएगा. So therefore I have written it as capital D into C. Capital D इसलिए क्योंकि हम लोग total cost निकाल रहे हैं on annual basis. So therefore I wrote it as D into C. That's it. तो ये है cost per unit, और ये क्या है, demand per year. That's it. So ये है, इसकी यूनिट भी देख लेते हैं हम लोग साथ साथ, यूनिट्स पर ईयर, एंड दैट इज बेसिकली रुपीस पर यूनिट. सो नाउ यूनिट यूनिट गेट्स कैंसल, व्हाट यू विल गेट इज रुपीस पर ईयर, इजंट इट? सो दैट इज व्हाट इज परचेज कॉस्ट. ये तो सिंपल है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट. हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की तरफ. अब देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था, CU से डिनोट किया था, इसकी यूनिट क्या थी, रुपीस पर ऑर्डर, रुपीस पर ऑर्डर. अब आप मुझे यहां बताइए, मुझे देखिए लेके क्या आना है, किस यूनिट में, रुपीस पर ईयर में लेके आना है. सो हियर इट शुड बी ऑर्डर्स पर ईयर, राइट? इट शुड बी ऑर्डर्स पर ईयर. यहां पर ऑर्डर्स पर ईयर आना चाहिए, तभी तो ऑर्डर ऑर्डर कैंसिल होगा, तो रुपीस पर ईयर आएगा, इजंट इट? नाउ अब मुझे बताइए, ऑर्डर्स पर ईयर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड पर ईयर, तो क्या इंटू एन हो जाएगा? इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा. देखिए तो सी नॉट इंटू एन. नाउ यू वेरी वेल रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर एन. एन क्या था? डी बाय क्यू. सो दैट इज व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर नॉट? नाउ नेक्स्ट कॉस्ट क्या रहेगी अपनी? होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट और फिर और या फिर हम उसको बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट. देखिए बहुत ही सिंपल है, सी एच, इसकी यूनिट सी एच थी, आपको याद है, सी एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे. इसकी यूनिट क्या थी? रुपीस पर यूनिट पर ईयर. याद आ गया? रुपीस पर यूनिट पर ईयर. इज दैट क्लियर? नाउ अब देखिए, आपको अगेन किस में रखना है? रुपीस पर ईयर में रखना है. Is that clear? आपको रखना है किसमें? रुपीस पर ईयर. Is that clear? So now, रुपीस पर ईयर. तो आपको यूनिट कैंसिल करना है. ओके, नाउ क्या लिखना चाहिए यहां पे? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा. इनफैक्ट मैंने आपको शुरू में भी एक्सप्लेन किया था. यहां पर देखिए कंसेप्ट यूज होता है क्यू एवरेज का. वाई? बिकॉज द इन्वेंट्री लेवल इज
decreasing from q to 0. So that will be what? Q plus 0.2, that is q by 2. तो यहां पर हम लोग एवरेज का कंसेप्ट यूज करते हैं. आपको ध्यान है मैंने Q1 बनाया था, इधर Q2 बनाया था, सो देन आई सेड यहीं से फिर हम वापस से प्लेस कर देंगे ऑर्डर, तो वो हो जाएगा वापस से Q1 पहुंच जाएगा, फिर Q2 आएगा. सो दैट विल बी उसके केस में क्या था, Q1 प्लस Q2 बाय 2, क्योंकि हम Q2 से नीचे नहीं जाने दे रहे थे. यहां पर बट क्या होगा, Q1 से मतलब इस Q से 0 तक आएगा ही आएगा, क्योंकि माना हमने ऑर्डर पहले प्लेस कर दिया, बट वो 0 जब पहुंचेगा, 0 जब हो जाएगा, उसके बाद फिर उसी मोमेंट पे ऑर्डर आएगा ना हमारे पास, तो फिर वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएगा, बट वो जाएगा तो जीरो पे. ठीक है, तो फिर एवरेज इन्वेंटरी क्या हो गई, क्यू बाय टू. सो हेयर आई विल राइट इट एज व्हाट, क्यू बाय टू. सो सी एच इंटू क्यू बाय टू, इजंट इट. नाउ साथ में माय डियर एक टर्म और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब आपको आपको लग रहा होगा कि नहीं सर हो गया, ठीक है ठीक है. अब देखिए माय डियर, एक टर्म और मल्टीप्लाई होती है, दैट इज टी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए साइकिल टाइम. अब ये कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स जो होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट है वो हर साइकिल पे चलेगी ना, वो हर साइकिल पे चलेगी. सो देयरफॉर सीएच इज रुपीज पर यूनिट पर ईयर, सो इनटू क्यू बाय टू, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री इनटू यूनिट्स. और देखिए इसकी यूनिट क्या है, यूनिट्स पर साइकिल. इसकी सिर्फ यूनिट ही नहीं है वैल्यू, इसकी यूनिट इस बार होगी यूनिट्स पर साइकिल, क्योंकि हर एक साइकिल के अंदर जो है आप क्यू मतलब बाय टू जो है आपके पास एवरेज इन्वेंटरी है. इज दैट क्लियर, सो दैट इज बेसिकली यूनिट्स पर साइकिल. सो नाउ दैट इज देयर फॉर यहां पर क्या है, साइकिल टाइम, इसीलिए यहां पर क्या मल्टीप्लाई हुआ, साइकिल टाइम. सो अब यह है होल्डिंग कॉस्ट, दिस इज द होल्डिंग कॉस्ट, सी एच इंटू Q by 2 into cycle time. And T will be nothing but 1 upon N, that is Q upon D. Q by D. ठीक है, so that will be cycle time. अब ये है holding cost या carrying cost. Is that clear? Clear है कि नहीं? चलिए. अगर हम but ये T multiply तब नहीं होगा, अगर हम एक मतलब ये तो है कितने साइकिल बाद हो रहा है, मतलब साइकिल कितने बार भी जा सकता है ना, बट अगर हम लोग कुछ भी अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो अंडरस्टूड है कि हम वो एक पर्टिकुलर साइकिल की बात करें, तो फिर टी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है. बट यहाँ टी तब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अगर जब क्वेश्चन में वो दिया हो कि हमें उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए डील करें या फिर कोई दूसरी साइकिल के लिए डील करें, तब हम टी यूज करेंगे यहाँ पर इंटू टी. इज इट क्लियर, तो अब आपको क्लियर हुआ है परचेज कॉस्ट कैसे आई, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आई, होल्डिंग कॉस्ट कैसे आई. ठीक है यहां तक, सो ये तीनों तरीके कॉस्ट अपने पास में आ गई, इज इट और नॉट. अब देखिए सी एच इंटू क्यू बाई टू इंटू टी का कंसेप्ट समझ आया. ठीक है, तो जो होल्डिंग कॉस्ट थी ना माय डियर, ये होल्डिंग कॉस्ट थी पर एनम नहीं थी माय डियर. देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो सी एच थी ना, सी एच इंटू क्यू बाई टू, तो ये जो यूनिट्स थी ना पर साइकिल नहीं थी, यूनिट्स पर साइकिल थी पर एनम नहीं थी. ध्यान से अभी भी यूनिट में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, क्योंकि ये यूनिट्स रुपीस पर यूनिट पर ईयर है ना, तो अब जो है हमें यहां जो क्यू बाय टू निकला वो यूनिट्स पर साइकिल है, ये है यूनिट्स पर साइकिल. सो देयरफॉर वी मल्टीप्लाइड विद साइकिल टाइम. ठीक है, तो माई डियर स्टूडेंट्स अब क्या है, ये जो है ना ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा विथ एन, इसको फर्दर एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, रुपीस पर यूनिट पर ईयर, और ये है इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स पर साइकिल, एक साइकिल में कितनी करी. ये क्या है, टाइम, दैट इज व्हाट इज, क्या है ये, हाँ मतलब ईयर पर साइकिल. ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा साइकिल पर ईयर, मतलब ऑर्डर्स पर ईयर, दैट इज दी ऑर्डर्स पर ईयर, ऑर्डर्स पर ईयर है ना, ये ऑर्डर्स पर ईयर था एन, और जो ये टी था वो क्या था, आप बोल सकते हैं ईयर्स पर ऑर्डर, या फिर कितने टाइम में हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, राइट, Q
कितने टाइम में हम लोग ऑर्डर प्लेस करें, हर कितने टाइम में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, दैट इज दी ऑर्डर टाइम पर ऑर्डर एंड ईयर्स पर ऑर्डर। तो ये अब ये कंप्लीट है माय डियर। अब ये है एनुअल कैरिंग कॉस्ट। नाउ दिस इज द एनुअल कैरिंग कॉस्ट, अब कंप्लीट है। अब ऑब्वियसली टी इन टू एन क्या हो जाएगा, वन। सो देयर फोर अब आपके पास में जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट आएगी दैट विल बी वॉट, सी एच इन टू क्यू बाई टू, दैट्स इट, दैट इज द एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल एनुअल कैरिंग कॉस्ट विल बी सी एच इन टू सिंपली क्यू बाई टू, दैट्स इट। इसीलिए यहां से ही आता है, वापस समझिए। देखिए क्यू बाई टू जो था ना वो एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए था, पूरे साल के लिए नहीं। इसीलिए हमने क्या किया, इसको साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ा। बट अब साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो वापस से यूनिट इम्बैलेंस होगी, राइट? तो यूनिट जब इम्बैलेंस होगी तो उसको वापस से एन से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इट इज बेसिकली वॉट, कितने हर टाइम में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सो ऑर्डर्स पर ईयर है ना, सॉरी इट विल बी ईयर्स पर ऑर्डर, सॉरी ईयर्स पर ऑर्डर, हर कितने ईयर में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। याद है जिस पहले 1/9 आया था, तो ये वही है। बट अब यूनिट्स वापस से अगेन क्या हुआ, प्रॉब्लमेटिक होगी। सो देयर विल बी साइकिल पर ईयर, सो नाउ दैट विल अगेन बिकम इक्वल टू 1। दैट विल टी इन टू एन का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब जाकर के फॉर्मूला निकल के आया, एनुअल कैरिंग विल बी सी एच इन टू क्यू बाई टू। इज दैट क्लियर? वो तो ठीक है पहले ही आ जाता, बट मुझे ये समझाना था। देखिए यहां पर स्पेशली टी इन टू एन क्यू करना पड़ा, क्योंकि ये जो क्यू बाई टू है दैट इज द एवरेज इन्वेंट्री, बट दैट इज नॉट द एवरेज इन्वेंट्री फॉर द होल ईयर। ध्यान रखिएगा ये है फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल टाइम। अब साइकिल टाइम के साल भर के बराबर होता क्या, नहीं हो सकता है। साइकिल टाइम 3 महीने के बराबर हो, इज दैट क्लियर? सो ये है एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज क्यू बाई टू फॉर 3 मंथ्स, दैट इज अ साइकिल। तो इसीलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा साइकिल टाइम, ठीक है? वो टाइम क्या था तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन वापस से क्या टाइम इंट्रोड्यूस हो गया ना, तो इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए अब मुझे करना पड़ा इनटू एन। तो अब हमने देखा कि ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो इनटू 1 हो गया। सो देयरफॉर क्या हो गया, ये आ गया सी एच इनटू क्यू बाई टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है? ये पार्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन मतलब इसमें। अब देखिए अब हमारे पास में तीनों कॉस्ट आ चुकी है, वी हैव 3 कॉस्ट विद अस। परचेज कॉस्ट है डी इन टू सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारा डी बाई क्यू इन टू सी नॉट, एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या आ गई हमारी फाइनली एनुअल, दैट इज दी क्यू बाई टू इन टू सी एच। मुझे एक बात बताइए माई डियर, हियर वॉट यू हैव वेरिएबल, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ऑब्वियसली क्यू, क्योंकि ये तो हमारे पास, ये तो हमें पता है, ये कॉन्स्टेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें पता है, ठीक है? दैट विल बी बेस्ड ऑन द वेंडर, वो वेंडर से हम सेटिंग करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। सो दैट विल बी कॉन्स्टेंट, सो दैट इज कॉन्स्टेंट। अब रही बात होल्डिंग कॉस्ट की, तो ये भी कॉन्स्टेंट है, बिकॉज ये सर्टेन अमाउंट स्टोर रहता है। द मेंटेनेंस कॉस्ट विच विल बी इनकरिंग इन द कीपिंग द इन्वेंट्री, दैट विल अगेन बी कॉन्स्टेंट। सो अगेन अल्टीमेटली यहाँ पे वेरिएबल क्या है, क्यू, क्यू इजंट इट? सो यही हमारा वेरिएबल है क्यू, क्यू हमारा वेरिएबल है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी वी हैव टू परचेज ना, अमाउंट मतलब हमें एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी परचेज करनी है, तो वो हमें देखना है कि अच्छा अब ये भी समझ लेते हैं कि ऑप्टिमम लेवल क्यों, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड ऑप्टिमम लेवल क्यों। देखिए परचेज कॉस्ट की जो वैल्यू है दैट इज डी इन टू सी, इज इट डिपेंडिंग ऑन क्यू, क्या ये क्यू पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो ये तो अपने आप में कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ये तो अपने आप में कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इजंट इट? नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसका रिलेशनशिप देखिए आप क्यू के साथ क्या है, इज इट इनवर्स विथ क्यू? यस, इज इट, इट इज इनवर्स विथ क्यू, ये क्यू के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में। मतलब अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे अपने ऑर्डर करने की तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी घटेगी। देखिए बहुत ही ऑब्वियस बात है, 300 का सपोज टोटल लॉट है, 300 का टोटल लॉट है माय डियर, ठीक है? 300 का टोटल लॉट है। अब देखिए दो केस लेता हूं मैं, एक तो मैं 100-100-100 में ऑर्डर करता हूं, तो अगर मैं 100-100 में ऑर्डर कर रहा हूं तो 3 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है। अब देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो सपोज लेटेस्ट एक 1000 रुपीज है, लेटेस्ट एक 1000 रुपीज है वो, बट वो किस लिए पर ऑर्डर है, वो एक बार ऑर्डर करने का 1000 रुपीज है। अब आप एक बार में कितना ऑर्डर करें वो आपकी मर्जी, इजंट इट? तो अब 1000 रुपीज पर ऑर्डर करें, नाउ इन दिस वे यू आर ऑर्डरिंग 3 times, सो नाउ द कॉस्ट विल बी व्हाट, 3000 रुपीज, 1000 into 3 that is 3000 rupees। Now,
एक दूसरा ऑप्शन क्या है, आप 50K में प्लेस करें, 50 50 यूनिट्स का। तो ऐसे आपको कितनी बार प्लेस करना पड़ेगा 50 50 50 का? 6 टाइम्स। तो आपको 6 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 50K। तो इस बार नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर बीइंग व्हाट, 6। सो अब इस बार कॉस्ट क्या आएगी, 6 × 2000, दैट इज 6000। इस केस में 6000 कॉस्ट आएगी, 6 × 1000 पर ऑर्डर, दैट इज 6000। तो यहां से इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस फैक्ट दैट एज सून एज यू इंक्रीज योर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पर ऑर्डर, सो देयरफॉर द ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी रिड्यूसिंग। सो देयरफॉर क्यू इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। एक तो ये चीज हो रही है। होल्डिंग कॉस्ट की बात करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट तो हमें पता है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी रखी होगी उतना ही वो स्पेस घेरेगी और उतना ही उसका चार्ज लगेगा, इजंट इट? उतना ही उसका मेंटेनेंस लगेगा, उतने ही रेंट लगेगा। देखिए रेंट भी इसी में आ गया, जो रेंट है ना जिसमें रखा स्टोरेज स्पेस का भी तो भाड़ा लग रहा है। तो वो जो स्टोरेज एरिया है, द स्टोरेज रूम है, उसका जो रेंट लग रहा है, दैट विल बी होल्डिंग कॉस्ट। देयरफॉर दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी। सो अब जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, एंड दैट इज ऑल्सो इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर रिलेशन में। तो अब आप एक चीज देख पा रहे हैं, जैसे जैसे आप क्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक चीज तो कम हो रही, दैट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्यू बढ़ाने पर एक चीज बढ़ रही, कम हो रही है। ऑन द अदर हैंड क्यू बढ़ाने पर दूसरी चीज बढ़ रही, दैट इज द एनुअल कैरिंग कॉस्ट। एक चीज का कम होना दूसरे चीज का बढ़ना, कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब माय डियर, लेट अस अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकली। इसको हम ग्राफिकली समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट अस ड्रॉ वन ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट टू बी परचेस्ड। क्यू कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब टोटल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर दो ग्राफ प्लॉट करूंगा, एक तो कैरिंग कॉस्ट का और अपने कौन सा ऑर्डरिंग कॉस्ट का, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट का बस। अब देखिए यहां पर वो वाली तो सेम रहेगी, कौन सी, परचेजिंग कॉस्ट, क्योंकि वो तो क्यू का इंडिपेंडेंट है ना, तो इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब देखिए वापस से मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, वापस से मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं सो दैट यू विल बी एबल टू कोरिलेट। सो नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट। वॉट वॉज होल्डिंग कॉस्ट, क्यू बाई टू टाइम्स सी एच। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व कैसा बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। आप देख सकते हैं कि इट इज ऑफ द फॉर्म, इसको आप वाई, इसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स ट्रीट कर लो, ठीक है, ये एक्स ट्रीट कर लो, ये वाई ट्रीट कर लो। सो थोड़ी देर के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप ट्रीट कर लीजिए वाई, तो ये है y, सो इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू c अपॉन x, दिख रहा है आपको, d इंटू सी नॉट को आप c ट्रीट कर लीजिए। अब c की c वो अलग है, ये कांस्टेंट वाला c बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये वो नहीं है पर यूनिट कॉस्ट। तो d इंटू सी नॉट को आप कैपिटल c ट्रीट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, q को आप x ट्रीट कर लीजिए, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप y ट्रीट कर लीजिए। सो देयरफॉर इट इज दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म xy इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, इट इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हो रहा है? अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं आप, देखिए ये ड्रॉ कर रहा हूं। यही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इजंट इट? सो दिस इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट कर्व। नाउ इफ यू टॉक अबाउट होल्डिंग कॉस्ट कर्व, होल्डिंग कॉस्ट कर्व का कर्व विथ रिस्पेक्ट टू क्यू क्या आएगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन। दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स, इजंट इट? y इक्वल टू एम एक्स, एम मतलब स्लोप, स्लोप क्या बोल सकते हैं आप, सी एच बाई टू, सी एच बाई टू को आप m ट्रीट कर सकते हैं ना, सो दैट विल बी m, एंड q को आप x ट्रीट कीजिए, सो दैट विल बी y इज इक्वल टू एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स कैसी इक्वेशन होती, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां से शुरू होगा ग्राफ, यहां से ग्राफ शुरू होगा, इजंट इट? Now that will be positive slope, obviously. Negative slope थोड़ी ना होगा, positive होगा। तो इसका graph ऐसे होगा, ये देखिए। Is that clear? So now, I am drawing, ये तो मैंने individual curve plot किए, ठीक है? तो अब आप देखिए, यहां पर क्या होगा? ये वो point है, my dear.
ये वो पॉइंट, ये इस पॉइंट का कुछ सिग्निफिकेंस है, अपन समझेंगे इस पॉइंट का अपने आप ही सिग्निफिकेंस। जहां पर दोनों कॉस्ट बराबर हो रही है, यहां पर दोनों कॉस्ट बराबर हो रही है, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग दोनों बराबर हो रही है, इस पॉइंट का हम लोग सिग्निफिकेंस समझेंगे, ठीक है, इन शॉर्ट भाई। अब देखिए, तो एक जो है, अगर अब आप टोटल कॉस्ट का कर्व प्लॉट करें, टोटल कॉस्ट का कर्व का क्या होगा, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई टू इंटू सी एच। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं वो अपनी परचेसिंग वाली काउंट नहीं कर रहा। देखिए परचेसिंग तो वैसे भी उसके अंदर जो डी टू सी वाली टर्म है, टोटल एनुअल कॉस्ट के अंदर डी टू सी वाली टर्म भी थी ना, दैट वाज अ परचेसिंग कॉस्ट, वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसका ग्राफ बना रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, मैं प्लॉट करूं, वो ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट के पहले पहले क्या होगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, और इस पॉइंट के बाद में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निल हो जाएगा, कम हो जाएगा बहुत, और इसका बढ़ जाएगा, इजंट इट? सो दैट विल बी लाइक दिस। दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट कर्व, एक्सक्लूडिंग, ध्यान रहे, एक्सक्लूडिंग द परचेसिंग कॉस्ट, डी इन टू सी को मैंने एक्सक्लूड करा है, ये जो है इसका कर्व मैंने प्लॉट किया है, ठीक है। नाउ माय डियर, वी विल अंडरस्टैंड दैट जहां पर ये मिनिमा आता है ना, जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमा आता है, वही उसको हम क्या बोलते हैं, ईओ क्यू, द पॉइंट एट विच द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज वॉट इज कॉल्ड एज ईओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसीलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, बिकॉज इट इज लिटरली इकोनॉमिक टू अस, बिकॉज इट इज एट द मिनिमम कॉस्ट, टोटल मिनिमम टोटल कॉस्ट, इजंट इट? So now that this quantity is what is called as EOQ, that is economic order quantity. और my dear, आपको मैं थोड़ी देर में ये भी प्रूफ करने वाला हूँ कि ये जो EOQ है ना, ये जो पॉइंट ऑफ EOQ है ना, और ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया, दोनों कर्व ने इंटरसेक्ट किया, मतलब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट वाले कर्व ने और होल्डिंग कॉस्ट वाले कर्व ने, ये पॉइंट और ये जो EOQ वाला पॉइंट निकल के आएगा जब हम EOQ का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, माई डियर ये दोनों ही सेम पॉइंट होंगे। ये मैं भी प्रूफ कर दूंगा, ये मैं भी प्रूफ कर दूंगा इन अ शॉर्ट वाइल। अब देखो, नाउ आई एम डूइंग इस, ठीक है, तो ये ईओ क्यू, और इसको हम लोग क्यू स्टार से डिनोट करते हैं, ये वो क्यू मिनिमम है, इट इज द दैट मिनिमम क्वांटिटी विच इज नीड्स टू बी ऑर्डर्ड सो एज टू हैव मिनिमम टू मिनिमम टोटल कॉस्ट, समझ आए? दैट इज व्हाट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, सो टोटल एनुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, d इंटू सी प्लस डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई टू इंटू सी एच, इज दैट क्लियर? नाउ फॉर टू हैव टी ए सी, दैट इज टोटल एनुअल कॉस्ट टू बी मिनिमम, डिफरेंशिएशन ऑफ टी ए सी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू शुड बी वॉट, जीरो, इज दैट क्लियर, इजंट इट? सो नाउ अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, क्या आ जाएगा, देखिए d इंटू सी क्या ये कांस्टेंट है, क्यू का इंडिपेंडेंट है, सो इट विल बी जीरो। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो कर्व है ना, बस इसके पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट, ये कर्व जो है ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी इस कर्व का जो मिनिमा है वो यहीं पर ही आएगा, चिंता मत कीजिए, इसका यानी मिनिमा यहीं आएगा, और इसका जो मिनिमा है दैट इज द क्यू स्टार, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम, दैट इज ईओ क्यू, और ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये सेम पॉइंट पे आने वाले हैं। अभी प्रूफ करते हैं, देखो तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ चुका है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस डी अपॉन क्यू स्क्वायर सी नॉट, इजंट इट? और इसका क्या आ जाएगा, सी एच बाय टू, नाउ यू हैव टू पुट इट इक्वल टू व्हाट, जीरो, इज दैट क्लियर? सो नाउ क्या आ जाएगा यहां से, सी एच बाय टू इक्वल्स टू डी अपॉन क्यू स्क्वायर टाइम्स सी नॉट, इजंट इट? सो नाउ ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग वी गेट, टर्म्स को रीअरेंज कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, टर्म्स को रीअरेंज कर दीजिए, सो क्यू स्क्वायर विल बी वॉट, टू डी सी नॉट डिवाइडेड बाय सी एच, इज दैट क्लियर? चेक करिए, सो नाउ क्यू अगेन आई शुड डिनोटेड विथ स्टार बिकॉज इट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट, ले लीजिए, सो स्क्वायर रूट ऑफ टू डी सी नॉट डिवाइडेड बाय सी एच, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ EOQ. तो माय डियर, हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया,
क्यू स्टार की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज वॉट क्यू स्टार। एक चीज प्रूव करनी और रह गई माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है दे विल लैंड द सेम, मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है ये एक ही इस पे लाई करेंगे, सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि आप चाहे ईओक्यू निकाल लीजिए इस तरीके से, चाहे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को और होल्डिंग कॉस्ट को सॉल्व कर लीजिए, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, वो दोनों सेम आएंगे। अब इसको प्रूव कर रहा हूं, देखो नाउ इक्वेटिंग व्हाट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को मैं इक्वेट कर रहा हूं तभी तो मुझे मिलेगा ना ये, तभी तो मेरे को ये पॉइंट मिलेगा बाय सॉल्विंग द टू कर्व्स, इजंट इट। सो देयरफॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट के बराबर करो। अब देखो क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था डी बाई क्यू टू सी नॉट, होल्डिंग कॉस्ट क्या था क्यू बाई टू इंटू सी एच, इजंट इट। सो नाउ सॉल्व करो, यहां से क्या आ जाएगा डी सी नॉट इक्वल टू क्यू स्क्वायर, टू इधर चला जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा टू स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू सी नॉट सी एच, सॉरी ये सी एच होगा सी एच, सो इट विल बी सी एच, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यार, समझ आ गया। अब देखो यहां से भी क्यू क्या आ रहा है, देखो क्यू क्या आ रहा है, इधर से देखना, ऑन सॉल्विंग इट फर्दर यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब समझ आ गया आपको क्यू क्या आएगा, क्यू वापस से वही क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो गए टू डी सी नॉट डिवाइड बाई सी एच, और रूट अंडर रूट लेंगे क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, अगेन वही क्यू स्टार होगा दैट इज टू डी सी नॉट डिवाइड बाई सी एच। प्रूव हो गया कि चाहे हम जैसे डिफ्रेंशिएट करके मिनिमा प्रूव करें, सो जो मिनिमा आ रहा है दैट इज एट दिस क्यू स्टार विच इज इक्वल टू अंडर रूट टू डी सी नॉट अपॉन सी एच, एंड इनफैक्ट इफ यू इक्वेट ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन। अगर सेम एक्सप्रेशन है माई डियर क्यू स्टार के, तो जाहिर सी बात है दोनों सेम वर्टिकल लाइन पर लाए करने चाहिए, मतलब जो टोटल कॉस्ट कर्व का जो मिनिमा आएगा और जहां पर दोनों ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट के कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं दे विल लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, हेंस प्रूफ, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू क्यू स्टार दैट इज अंडर रूट टू डी सी नॉट अपॉन सी एच। क्लियर हो रहा है यहां से, इज दैट क्लियर और नॉट, तो ये हमने कर लिया, ठीक है, वी हैव डन द एनालिसिस। सो नाउ यू कैन रेफर टू द नोट्स, अदरवाइज मैंने आपको लिख के प्रूफ करके दिखा दिया है, आप नोट्स रेफर कर लीजिएगा, नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, इजंट इट। ये देखिए यहां पर हम खत्म हुए थे ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने देख लिया था, होल्डिंग कॉस्ट देख लिया था, ठीक है, अभी ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट समझाया है इस तरीके से, देखिए किस तरीके से इन्वेंटरी रिड्यूस हो रही है 20, 15, 10, 5, 0, ओके। सो नाउ होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी एवरेज इन्वेंटरी, सो 20 प्लस 0 दैट इज 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10, सो 10 इंटू 2 दैट इज पर डे है, ठीक है, अब पर डे है तो उसको क्या आ जाएगा रुपीज 100, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए पहले क्या था आपके पास में, शुरू में सपोज 20 इन्वेंटरी थी, फिर 15 का हो गया, फिर 10 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 0 का हो गया, तो क्यू एवरेज क्या हो जाएगा, इन सब का समेशन डिवाइड बाय 5 दैट इज 10 यूनिट, और ये वैसे भी आ जाएगा 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10 आल्सो अगेन, सो देन 10 इंटू सी एच। अब देखिए ध्यान से होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, 10 इंटू व्हाट सी एच इंटू नंबर ऑफ डेज फॉर विच द इन्वेंटरी इज देयर, मतलब पहले दिन 20 है सपोज, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 10 रहेगी, फिर 5 रहेगी, अंत में पांचवें दिन इन्वेंटरी खत्म, सो 10 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज हाउ मच 100, इसीलिए यहां से 100 है। इसीलिए माय डियर जब q बाय 2 इंटू सी एच किया था साथ में t इंटू n मल्टीप्लाई हुआ था, क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से तो इंटू 5 एक्स्ट्रा करना पड़ा, इजंट इट, समझ आया। और वापस से आप इसको इस तरीके से देख सकते, 20 से हम 0 आए तो क्यू एवरेज विल बी 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10, समझ आ गया यहां तक। सो अगेन दिस इज एवरेज होल्डिंग कॉस्ट विच इज इक्वल टू क्यू बाय 2 इंटू सी एच इंटू टी इंटू एन, नॉट दैट बिकम्स 1, सो क्यू बाय 2 इंटू सी एच, टोटल एनुअल कॉस्ट निकाली,
ठीक है। अब जो है इसको हमने, अगर हम टोटल एनुअल कॉस्ट में से हटा दें, दैट इज दी योर परचेजिंग कॉस्ट, इसको अगर हम हटा दें, सो बेसिकली दैट इज व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड पार्ट है ना, ये फिक्स्ड पार्ट है और ये है वेरिएबल, समझ पा रही है, वेरिएबल है। सो इसलिए लिखा हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग कॉस्ट। सो नाउ देयरफॉर टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट दैट विल बी डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई टू इंटू सी एच, दैट विल बी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, टोटल इनफैक्ट एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। अब अगर टोटल कॉस्ट निकालना है तो ये हो जाएगा टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट प्लस डी इंटू सी, दैट इज दी परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट भी अगर हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा टोटल एनुअल कॉस्ट। नाउ यू इफ यू डिफरेंशिएट इट, वॉट यू विल गेट इज वॉट, मिनिमम। ठीक है, समझ आया। इसके बाद देखिए ये क्या किया गया है, इसमें ये ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, इजंट इट, ये ग्राफ आपको समझा दिया मैंने। ओके, सी दिस ग्राफ, इज इट क्लियर टू यू, इज दिस ग्राफ क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है ना, ये है वही हाइपरबोला और ये है वही स्ट्रेट लाइन। सो ये होल्डिंग कॉस्ट, ये है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, जहां पर इनका मिनिमा आता है। अब देखिए क्या मैंने क्या कहा था आपको, अगर आप टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे तो टोटल एनुअल कॉस्ट हो जाएगी, होगा क्या, बस ज्यादा से ज्यादा ग्राफ जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए वही शिफ्ट दिखाया है, बट दोनों का जो, इन सब का जो मिनिमा है वो वही आएगा जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ दी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। समझ पाए, यही मैंने आपको समझा रहा था इतनी देर से, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना। ये देखिए इसका मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब ही एक लाइन पे आए, दैट इज एट द ईओ क्यू। ये ग्राफ के ऊपर शिफ्ट हुआ बिकॉज एक्स्ट्रा डी इन टू सी टर्म एड हो गई, दैट्स इट, इसलिए एक्स्ट्रा ऊपर शिफ्ट हो गया। सो नाउ यही आपको एक्सप्लेन किया गया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एट विच होल्डिंग कॉस्ट बिकम्स इक्वल टू द ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो हमने प्रूव कर लिया। एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम इज नोन एज वॉट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओ क्यू पे क्या होगा, ये बराबर हो जाएंगे, सो देयरफॉर इट विल बी अंडर रूट टू डी सी नॉट डिवाइड बाई सी एच, या फिर आप इसको टोटल कॉस्ट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो भी यही आएगा, सेम एक्सप्रेशन हमने देखा। ठीक है, ये देखिए यही कर रखा है। ठीक है, अब देखिए, हाँ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी एट द ईओ क्यू, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट स्टार लगा रखा है। अब देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या था, डी बाई क्यू इंटू, देखो इसको भी देख लो, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई टू इंटू सी एच। नाउ एट ईओ क्यू आई विल पुट स्टार ओवर हियर, इज इट इट, नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ क्यू स्टार, मतलब डी सी नॉट इंटू, देखना पुट कर रहा हूं मैं, सी एच ओवर टू डी सी नॉट। ठीक है, ये पहली टर्म है, डी बाई क्यू स्टार इंटू सी नॉट, क्यू स्टार में वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट, तो ये आ जाएगा प्लस सी एच बाई टू इंटू क्यू स्टार, दैट इज टू डी सी नॉट ओवर सी एच, तो ये प्लस हो जाएगा। दिस इज ऑर्डरिंग एंड दिस इज होल्डिंग, समझ आ गया, कुछ नहीं किया, क्यू स्टार की वैल्यू पुट कर दी। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से तो सेम आंसर आएगा आपके पास, सेम आंसर यू विल गेट अंडर रूट टू डी सी नॉट इंटू सी एच। देखिए बहुत ही सिंपल है, याद करना, क्यू स्टार आपको याद हो जाएगा टू डी सी नॉट बाई सी एच। अब क्या कीजिएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए बता रहा हूं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वो भी एट ईओ क्यू, क्या हो जाएगा, सब कुछ न्यूमिनेटर पे आ जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर था सब कुछ न्यूमिनेटर पे उठ जाएगा, सो टू डी सी नॉट सी एच। जब ईओ क्यू की बात की जाएगी तो सी एच नीचे टपक जाएगा, दैट्स इट। सो सिंपल है, याद करना। ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, खुद से करिएगा। और देखिए यहां पर दिखाया गया किस तरीके से डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं, अभी हमने देख लिया दोनों तरीके से, डिफरेंशिएट करके भी और इक्वेट करके भी। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और टर्म समझेंगे, दैट इज द मॉडल सेंसिटिविटी, मॉडल सेंसिटिविटी समझेंगे क्या होता है इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू।